नमस्कार, पांचजन्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। अगर आपको आतंक का एहसास होता है तो आप डर के मारे वहीं जम जाते हैं। आतंकवादी भय और अविश्वास का माहौल बनाते हैं ताकि लोग अपने सामान्य जीवन जीने से डरें। आतंकवाद राजनीतिक कार्रवाई है जिसमें किसी राष्ट्र के शासन और उसकी जनता को भय और मनोबल से गिराने के लिए असाधारण हिंसक साधनों का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आतंकवाद कोई भी ऐसा कार्य है जिसका उद्देश्य किसी नागरिक को या सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में शत्रुता में सक्रिय भाग नहीं लेने वाले किसी अन्य व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाना हो। जब ऐसे कार्य का उद्देश्य किसी प्राकृतिक या संदर्भ के अनुसार जनसंख्या को डराना या किसी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कोई कार्य करने या ना करने के लिए बाध्य करना हो। अब आप इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर हिजबुल्लाह को रखिए। यह सर्वविदित है कि यूरोपीय संघ ने 22 जुलाई 2013 को हिजबुल्लाह की सैन्य विंग को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया था। हिजबुल्लाह को संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में चिन्हित किया गया है। लेबनान पर इजरायली आक्रमण के जवाब में 1982 में गठित हिजबुल्लाह स्वयं को अल्लाह की पार्टी कहता है। हिजबुल्लाह की अर्धसैनिक शाखा जिहाद परिषद है। यह समूह इजराइल के खिलाफ संघर्ष में फिलिस्तीनी अस्वीकृत समूहों का भी समर्थन करता है और इराक में पश्चिमी हितों पर हमला करने वाले इराकी शिया उग्रवादियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। अपने निर्माण काल से लेकर अब तक यह संगठन इजराइल अमेरिका समेत अपने दुश्मन देशों के खिलाफ कई अटैक कर चुका है, इसलिए ये एक आतंकवादी संगठन के रूप में अपनी पहचान रखता है। अभी तक ना जाने कितने निर्दोष लोगों को ये आतंकी संगठन मौत के घाट उतार चुका है। दरअसल ये है हिजबुल्लाह का वह परिचय जो कि सबसे पहले सभी को जानना आवश्यक है। अब इस आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक कर मार गिराया। स्वाभाविक तौर पर अब यही माना जाना चाहिए था कि चलो अनेक लोगों के जीवन में शांति आएगी। जिन लोगों को हसन नसरल्लाह के कहने पर मौत के घाट उतारा गया था उनके परिवार जन को भी यह सांत्वना मिलेगी कि आखिरकार एक आतंकी उनके दुश्मन का अंत हुआ। लेकिन यह क्या दिखने में आ रहा है? जिनके हित हसन नसरल्लाह के साथ जुड़े थे उनका दुखी होना तो समझ आता है, पर भारत में नसरल्लाह की मौत के बाद कई संगठनों, राजनीतिक पार्टियों एवं अन्य लोगों का दुखी होना और विरोध स्वरूप सड़कों पर उतरना समझ नहीं आ रहा है। यदि इतने ही ये मानवाधिकार के संरक्षक हैं, तब फिर ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चुप क्यों हैं? जम्मू कश्मीर के बड़गाम की सड़कों पर लोग प्रदर्शन करते दिखे। वे हाथों पर नसरल्लाह के पोस्टर लिए हुए थे। ऐसा ही एक प्रदर्शन श्रीनगर के पुराने शहर में देखने को मिला। इसी प्रकार से राज्य के अन्य इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों का दुखद पक्ष यह है कि भारत के नाबालिगों को भी बरगलाया जा रहा है। उनके दिमाग में मजहबी जिहादी जहर भरा जा रहा है, इसलिए प्रदर्शन कर रहे ये छात्र कहते पाए गए कि अब हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आज जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी भी इस आतंकवादी के मारे जाने पर दुख जता रहे हैं और कह रहे हैं, हम लेबनान के शहर बेरूत पर अंधाधुंध और बर्बर हवाई हमले के लिए इसराइल की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह सहित 40 से अधिक लोग मारे गए। सैयद सदातुल्लाह आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह प्रमुख के मारे जाने पर पूरी दुनिया को जिनेवा कन्वेंशन की याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र मिडिल ईस्ट में इस आगजनी को रोके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।